हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ विटामिन ई ऑयल का ट्रीटमेंट। इसका पूरा ट्रीटमेंट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, प्लस आपको डेमो मैं इसका करके बताने वाली हूँ कि किस तरह से हमें इसको अपने फेस पे यूज़ करना है और क्या क्या इसके बेनिफिट हैं, मैं सब कुछ आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने फेस को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए आप अपने फेस को फेस वॉश कर लो या फिर क्लींजर की हेल्प के साथ क्लीन कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे फेस वॉश पहले से कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं एक वेट टॉवल के साथ अपने फेस को अच्छे से पोंछ रही हूँ ताकि मेरा फेस जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। क्लीन करने के बाद ही मैं अपने फेस पे नेक्स्ट स्टेप जो है उसको यूज़ करने वाली हूँ। तो गाइज़, आप देख सकते हो मैंने फेस जो है वो अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब मेरा फेस जो है वो रेडी है। तो मैंने यहाँ पे विटामिन ई कैप्सूल्स ले लिए हैं, तो इसके मैं 2 कैप्सूल यहाँ पे लेने वाली हूँ और इसका सारा ऑयल जो है वो मैं अपने हाथ पे निकाल रही हूँ। तो गाइज़, इस ऑयल को आपको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। जिस तरह से हम फेस मास्क को लगाते हैं अपने फेस पे, उसी तरह से आपको इस ऑयल को अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है, तो इसको आपको अपने फेस पे अच्छे से लगाना है। पूरा फेस पैक की तरह आपको इसको लगाना है और 10 मिनट के लिए इसको लगा रहने देना है ताकि ये अच्छे से आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए। तो गाइज़, मैं आपको बताना चाहूँगी कि विटामिन ई ऑयल जो है वो उसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं कि आपकी स्किन को हेल्दी बनाने में ये बहुत ही जल्दी इफेक्ट करता है। सो गाइज़, मैंने इस फेस मास्क को अच्छे से अप्लाई कर लिया है और इसको मैं 10 मिनट के लिए रखने वाली हूँ। 10 मिनट के बाद आपको इसको मसाज करना है अपने फेस को और अच्छे से मसाज देनी है। ये जो विटामिन ई ऑयल है ये बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन पे काम आने वाला है। ये जितने भी स्पॉट्स हैं, ब्लेमिशेस हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, उन सबको ये लाइटन कर देगा और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाएगी। जितने भी रिंकल्स हैं या स्कार्स हैं आपके फेस पे या आपकी स्किन जो है वो सन बर्न हो गई है, तो ये अच्छे से ट्रीटमेंट करेगा आपके फेस पे, को यूथफुल स्किन प्रोवाइड करेगा और जितनी भी फाइन लाइंस हैं उन्हें स्मूदर करेगा और आपकी स्किन ब्यूटी जो है उनको मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि आपकी स्किन जो है वो बहुत ही हाइड्रेटेड लगेगी। सो गाइस, 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज देने के बाद आपको आपके फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप देख सकते हो मेरा फेस जो है वो काफ़ी ग्लोई लग रहा है। आपने देखा स्टार्टिंग में मेरी स्किन जो थी वो बहुत ही ड्राई लग रही थी, डिहाइड्रेटेड लग रही थी, लेकिन इस टाइम पे आप देख सकते हो कितना ग्लोई फेस लग रहा है। गाइस, इसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो ये होने वाला है कि मैं यहाँ पे टोनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने गुड वाइब्स का हाइड्रेटिंग टोनर जो है, आर्गन का हाइड्रेटिंग टोनर यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो, अगर आपके पास कोई टोनर नहीं है तो आप सिंपल सा रोज़ वाटर जो है उसे यूज़ कर सकते हो। इस टोनर के मैं 4 से 5 स्प्रे अपने फेस पर ले रही हूँ और इसे अच्छे से डैप डैप करके अपने हाथों के साथ अच्छे से इसे अब्सॉर्ब कर रही हूँ ताकि ये स्किन में अब्सॉर्ब हो जाए और इसे खुद ब खुद एयर ड्राई होने दूंगी अपने फेस को। तो इसके बाद आपको क्या करना है कि वो कैप्सूल्स में से थोड़ा सा ऑयल बचा था उसको आपको सिर्फ 2 ड्रॉप्स जो हैं अपने फिंगर्स पे लेनी है और उसे अच्छे से फिंगर्स को रब करना है और अपने फेस पे इस तरह से डैप डैप करते हुए अपने फेस पे लगा लेना है। इस तरह से आपको ट्रीटमेंट करना है आपके फेस पे। तो गाइज, आपको क्या होगा कि पहली बार में ही आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। आप इसे अगर ओवरनाइट करेंगे, मींस कि अगर आप ये ट्रीटमेंट रात को करके सोएंगे, और तो आपको स्किन के रिजल्ट जो हैं वो बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। आपकी स्किन जो है वो बहुत ही हेल्दी लगेगी, बहुत ही यंगर लगेगी। और आप अगर इसे ओवरनाइट यूज करते हो तो ओवरनाइट ये एंटी एजिंग का काम करेगी, जो रिंकल्स फाइन लाइंस जो भी हैं उन्हें बहुत ही अच्छे से स्मूथ कर देगी और आपकी स्किन जो है वो बहुत ही यूथफुल स्किन लगेगी। सो गाइज, ये तो थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ विटामिन ई ऑयल का ट्रीटमेंट पूरा आपके साथ शेयर किया है। अगर इस ट्रीटमेंट को आप रेगुलरली यूज़ करते हो, हफ्ते में 3 बार भी अगर इसे यूज़ करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपकी स्किन जो है वो बहुत ही यंगर लुकिंग लगेगी और बहुत ही ग्लोई लगने वाली है, एकदम हाइड्रेटिंग स्किन होती है। तो इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और आगे आप शेयर भी कर सकते हो। तो जल्दी आती हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।